नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिना। खबर सिंगरौली से है, जहां एमपी सरकार प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के कई वादे करती है, लेकिन मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले की ये तस्वीरें कुछ और हकीकत बयान कर रही हैं। यहां प्राथमिक शाला के बच्चे स्कूल भवन के बाहर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि भवन की हालत काफी जर्जर है, ये कभी भी गिर सकता है, इसलिए शिक्षक बच्चों को मैदान में बैठाकर पढ़ाना मुनासिब समझते हैं। ये हालात सिंगरौली जिले के ताल गांव का सरकारी स्कूल की है। सिंगरौली जिले के ताल गांव में शासकीय स्कूल का ये भवन पिछले 2 सालों से जर्जर अवस्था में है। बिल्डिंग की छत में जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं, वहीं एक कमरे की छत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। स्कूल के अंदर जान का खतरा होने के कारण शिक्षकों ने स्कूल को खुले आसमान के नीचे संचालित करना शुरू कर दिया। हाल यह है कि बारिश के दिनों में गीली जगह में ही बैठकर बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ती है। स्कूल की हालत देखकर बच्चों के अभिभावक भी अब अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतराने लगे हैं। इस सब के बावजूद जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और शिक्षा विभाग इस ओर ध्यान देना उचित नहीं समझ रहे हैं। जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और अधिकारी सिर्फ आश्वासन देकर ही खाना पूर्ति कर रहे हैं। स्कूल के प्रधान अध्यापक धीरेन्द्र दुबे ने बताया कि स्कूल भवन की छत जर्जर हालत में है, कभी भी बड़ा हादसा होने का खतरा है। इसके लिए कई बार आला अधिकारियों को सूचना दी गई है, फिर भी कोई पहल नहीं हो पाई। साथ ही उन्होंने बताया कि बच्चों को स्कूल के सामने खुले आसमान के नीचे बैठा कर शिक्षा दी जा रही है। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है, राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।